नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेड फॉर टेक में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोया माइक की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और उस अनबॉक्सिंग के द्वारा मैंने बताया था कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और कैसी बिल्ड क्वालिटी है आपके इस माइक की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि कई बार ये देखने को आता है कि जो माइक आप परचेज करते हैं तो वो माइक आपको इस माइक की ओरिजिनल माइक की कॉपी मिल जाती है और बाद में आप ब्रांड को बहुत ही ज्यादा गाली देते हैं क्योंकि आपको वो क्वालिटी उससे नहीं मिलती है जो ओरिजिनल माइक में आपको मिलती है। तो बोया एक बहुत ही पॉपुलर माइक है और इस माइक को छोटे यूट्यूबर से लेकर बड़े यूट्यूबर तक और ब्लॉगर तक अच्छे से यूज करते हैं और क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कम प्राइसेस के अंदर आपको ये बहुत ही बेहतरीन वॉइस क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। तो पॉपुलर है प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है इसकी मार्केट में कॉपीज भी बहुत सारी अवेलेबल होगी जो बिल्कुल देखने में वैसी लगती है लेकिन क्वालिटी के मामले में वैसी नहीं होती। तो आज के वीडियो में बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप बोया के ओरिजिनल माइक की पहचान कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन इसको परचेज कर रहे हैं, तो कैसे आप जान सकते हैं कि आपका माइक ओरिजिनल है या लोकल। क्योंकि मैंने भी बोया का माइक अभी रिसेंटली लिया है और मैंने पूरी तरीके से पता लगाकर क्लियर करके ही इसको परचेज किया है कि मेरा प्रोडक्ट असली है या नकली। और आप ये देख पा रहे हैं जो वॉइस आप तक जा रही है इसकी आवाज़ की क्लियरिटी से आप समझ सकते हैं कि ये माइक एकदम ओरिजिनल है और बेहतरीन साउंड क्वालिटी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि बोया का ओरिजिनल माइक और लोकल माइक में क्या डिफरेंस है और आप इसको परचेज करके कैसे संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका माइक बिल्कुल ओरिजिनल है। दोस्तों, बॉक्स के थ्रू आप कैसे जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट असली या नकली बिना खोले उसको, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप शॉप पे हैं तो आप इस तरीके से जान सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप जो स्टिकर है कॉर्नर पे हल्की हल्की इसमें बोया की ब्रांडिंग दिख रही है। अगर एक बूंद पानी अगर आप इसके ऊपर रब करेंगे तो ये डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। देखिए, मैं रब कर रहा हूँ और ये पूरा पूरा गायब हो गया। अगर गायब हो जाएगा तो मतलब ये प्रोडक्ट आपका बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई डाउट की बात इस पर नहीं है। दूसरा तरीका आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉर्नर पर जो QR कोड है इसके जस्ट ऊपर साइड में फोल्ड का एक ऑप्शन है, एक छोटा सा साइन है। अगर आप इसको अपनी उंगली से अपने फिंगर से आप करते हैं तो नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे एक QR कोड और प्लस 16 डिजिट का यहाँ पर सिक्योरिटी कोड देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको जो है स्कैन करना पड़ेगा अपने मोबाइल के कैमरा की मदद से। तो मैं आपको ये करके दिखा दे रहा हूँ और आप देखेंगे फिर क्या होगा। ये रहा गूगल सर्च बार, इसके जस्ट बगल में कैमरे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर स्कैन कर लूँगा। तो देख सकते हैं आप कैमरा ऑन हो गया है और यहाँ पर जो QR कोड दिया हुआ है मैं इसको यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको स्कैन करूँगा, देख सकते हैं आप, जैसे स्कैन करूँगा ये ऑफिशियल बोया की वेबसाइट पे लेकर जाएगा। अगर ये लेकर जाया तो ये पहला साइन है कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है, क्योंकि ये यहाँ पे स्कैन करने के बाद सीधे बोया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेकर आया। अगर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट असली नहीं है। अब यहाँ पर जो 16 डिजिट का यहाँ पर सिक्योरिटी कोड नीचे दिया गया है, अब मैं इसको यहाँ पर फिल कर लूँगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर फिल कर लूँगा तो फिल करने के बाद कंडीशन ये होगी कि वहीं पे मुझे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, अगर प्रोडक्ट असली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, योर प्रोडक्ट इज़ ओरिजिनल, ऐसा कुछ अगर लिख के आता है तो मतलब आपका असली है, और कुछ भी लिख के नहीं आता है तो ये डाउटफुल है, यानी कि आपका प्रोडक्ट असली नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी एक बार इसको चेक कर लिया था, तो एक बार चेक करने के बाद यहाँ पर मुझे पता चल गया कि मेरा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, बिल्कुल साफ साफ वहाँ पर इसका इंडिकेशन मुझे मिल गया था। तो अभी अगर मैं एक बार इसको यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, दोबारा मैं करूँगा तो शायद एक बार ना भी दिखाई दे, तो खैर कोई बात नहीं। आपके प्रोडक्ट अगर ओरिजिनल है या लोकल है तो आप इसको इस तरह से जांच सकते हैं। तो ये मैंने फिल कर लिया है पूरा सिक्योरिटी कोड और उसके बाद तो मैं जब थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो ये इंक्वायरी का जो ऑप्शन है इसको आपको इस तरह से क्लिक कर लेना होगा और इसके बाद ये आपको प्रोसेस करके बता देगा कि आपका प्रोडक्ट असली है या नकली। अब बॉक्स के ऊपर आप यहाँ पे कुछ साइन होते हैं जिससे जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट असली है। जैसे ये बोया का ये माइक का जहाँ पे ये ब्रांडिंग दी गई है वहाँ पे अगर R लिखा हो तो ये लोकल है। और नीचे जो ये फोटो आप देख पा रहे हैं, मैडम जो खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर एकदम ओरिजिनल उभरे हुए कलर HD में दिख रहे हैं। तो मतलब ये ओरिजिनल बॉक्स है, प्रोडक्ट इसमें असली है, लोकल वाले में डल होती है ये फोटो। और कॉर्नर में अगर आप आएंगे इस बॉक्स के तो यहाँ पे जो बोया की ब्रांडिंग ब्लू कलर से दी गई है, इसके नीचे जो प्रो ऑडियो सीरीज लिखा हुआ है ये अलग टेक्स्ट फॉर्मेट में छोटा या बड़ा दिखाई देगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, लोकल बॉक्स है ये। और यहाँ पे ऊपर जो ये फोटो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर के बैकग्राउंड के ऊपर, ये भी आपको हाफ दिखाई देगी, पूरी नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे माइक भी दिख रहा है तो लोकल वाले में माइक भी आपको नहीं दिखेगा, ये फोटो आपको नीचे से हाफ दिखाई देगी। पीछे अगर आते हैं बॉक्स के तो यहाँ पे आप साफ साफ इंपोर्टर की डिटेल्स प्लस मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स देख पाएंगे। लोकल वाले बोया प्रोडक्ट के बॉक्स के ऊपर आपको ये दोनों डिटेलें मिसिंग मिलेगी, दिखाई नहीं देंगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट नकली है। तो अब बॉक्स के अंदर चलते हैं।
बॉक्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट असली है या नकली। तो मैं बॉक्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो बॉक्स ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो है क्वालिटी टेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो ये बिल्कुल ब्लू कलर का अगर मिलता है तो ये ओरिजिनल है और लोकल में डल होता है ये काफ़ी। और यहाँ पे जो वारंटी कार्ड आपका देख रहे हैं ये आपका जो है लोकल वाले में सिंगल पेजेस का होता है, मगर यहाँ देख सकते हैं आप इस बॉक्स के अंदर जो मुझे वारंटी कार्ड मिला वो ये डबल पेज का है। इसमें चाइनीज़ और इंग्लिश में क्लियरली सारी चीज़ें डिटेलिंग लिखी हुई है। तो ये ओरिजिनल का यहाँ पर पहचान है, सिंबल है। अब उसके बाद अगर इसको रख देते हैं, बात करते हैं यूजर मैनुअल की, तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपको इंग्लिश और हिंदी में डिटेलिंग देखने को मिलेगी और ये फ़ोटो को तो देख के आप जान ही सकते हो। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट असली या नकली। देखिए मान लीजिए कि अगर आप स्कैन करते हैं और बोया की वेबसाइट पर आने के बाद 16 डिजिट का अगर आप यहाँ सिक्योरिटी कोड डालते हो और स्कैन नहीं हो पाता, आप जानकारी नहीं ले पाते हो, तो इसके लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट भी जा सकते हो। यहाँ पर boyamic.com पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इसकी सर्टिफाइड जो इसकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस माइक की सारी डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी और यहीं पे ऊपर सपोर्ट का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लेंगे। जब सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर भी आप अपना सिक्योरिटी कोड जो है इस बार के अंदर देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा मिल गया। इसके अंदर फिल करके आप इसको इंक्वायरी कर सकते हो, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट असली है या नकली। तो ये तरीके हैं पता लगाने की आपका प्रोडक्ट असली है या नकली। तो चलिए एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टिकर है, स्टिकर में आपका फोल्ड का साइन है, इसको अगर आप हटा लेते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर QR कोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है कॉर्नर में एक होलोग्राम गोल्डन कलर का देखने को मिलता है और जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड है वो आपको मिल जाता है। और ये साइड में देखिए पिंक और ब्लू कलर का जो यहाँ पर स्टिकर है, इसके ऊपर अगर आप वाटर टेस्ट करेंगे, अगर आप पानी लेते हैं एक बूंद और यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ पर रब कर सकते हैं, वाटर को अगर आप रब करते हैं तो ये बोया की ब्रांडिंग गायब हो जाएगी, आप पता लगा लेंगे कि प्रोडक्ट असली या नकली। अगर गायब हो जाता है तो ये प्रोडक्ट असली है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ दूसरा तरीका है, आप उसके थ्रू भी आप जान सकते हो। तो आपको यहाँ पे ब्लैक स्केच पेन ले लेना है या कोई भी ब्लैक वाटर कलर अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको पूरी तरीके से कवर कर लीजिए कलर से, और जब आप इसको पोंछेंगे तो बोया की ब्रांडिंग ब्लैक कलर की आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। तो ये सारे साइंस हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं आपका प्रोडक्ट असली है या नकली। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट असली है या नकली। और अगर आपका प्रोडक्ट नकली है, अगर आपने ऑनलाइन मार्केट से खरीदा हुआ है तो आप उसको यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जिस भी वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर रहे हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो पहले वहाँ पर जो है सेलर की जो है पॉलिसी देख लीजिए कि ये अगर ओरिजिनल नहीं निकलता तो वापस करेगा या नहीं। और अगर आपको फिर भी परचेज करना चाहते हैं बिना किसी टेंशन के तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू जाके अगर परचेज करते हैं तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल माइक यहाँ पर प्राप्त होगा बोया का, कहीं बिना किसी टेंशन के आप इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कई बार ऐसा होता है अगर आप ये टेस्ट नहीं करते और पहले ही क्लियर नहीं कर लेते हैं कि ओरिजिनल या लोकल, तो प्रोडक्ट को जो है वहाँ का लोकल मार्केट का जो सेलर होता है वो वापस लेता भी नहीं है, तो आपको काफ़ी लॉस हो जाता है। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से आप जान सकते हैं, ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन है तो आप शायद रिटर्न भी कर सकते हैं, ऑफलाइन रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप पहले ही इंश्योर कर लें अगर आप लोकल मार्केट से खरीद रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट असली है या नकली। तो ये आज का वीडियो था, वीडियो जरूर पसंद आया होगा मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना तो बनता ही है, और साथ ही साथ चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर ही लो, भूलो मत बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह के मैं और वीडियो लेके आऊँ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए मुझे, वंदे मातरम, जय हिंद।